मैं शशिवाला बौद्ध और मैं यूपी गाजियाबाद से आई हूँ और मैं बताना चाहती हूँ बहन जी, जो बहुजन समाज की विशेष रूप से जो हमारे समाज की आयरन लेडी हैं और यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी हैं, मैं आज माननीय साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे पहली बार उन्हें सत्सत नमन, कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ एक 21 साल की लड़की इस सामाजिक आंदोलन में कूद पड़ती है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की, क्योंकि माननीय साहब काशीराम जी कोहिनूर ढूंढते थे और कोहिनूर उन्हें मिला। एक कोहिनूर जैसे ही उन्हें मिला, साहब काशीराम जी पहुँचे मायावती जी के घर और उनके पिताजी प्रभु दयाल जो थे, उन्होंने साहब काशीराम जी से जैसे ही बात की, साहब काशीराम जी ने कहा कि आपकी बेटी बहुत होनहार है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। साहब काशीराम जी बहन जी से मिले और बहन जी से पूछा, आप क्या करना चाहते हो बड़े होकर? तो बहन जी ने बताया कि मैं बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, कलेक्टर DM बनना चाहती हूँ। साहब काशीराम जी ने कहा कि इससे भी बड़ी राह आपके लिए है, आप क्या करोगे DM बन के? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज की एक नींव तैयार करना चाहती हूँ, अपने समाज की सेवा करना चाहती हूँ। साहब काशीराम जी ने कहा उससे अच्छा है कि आप बहुजन समाज में एक ऐसा अपना आदर्श पेश करो कि आपके सामने DM SSP सब हाथ बांध के खड़े हो जाएं। तो बहन जी इस चीज़ के लिए कहने लगी, तो बताइए मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा साहब काशीराम जी ने, माननीय साहब काशीराम जी ने बहन जी को बाम सेब से जोड़ा और वो गली गली साइकिल से साहब काशीराम जी के साथ मूवमेंट में लगी रही और गांव-गांव, गली-गली, हर जगह पूरे देश में वो चली और उसका रिजल्ट ये रहा, एक दिन हमारी पार्टी पूरी मजबूती से आई और बहन जी हमारे देश वो उसकी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी। मैं कहना चाहती हूँ जो बहन जी को लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया है, तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि आज माननीय साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे आप आके देखो कि बहन जी ने क्या किया है, आप लखनऊ में जाके देखो कि बहन जी ने क्या किया है, आप नोएडा में प्रेरणा स्थल पे जाके देखो तो पता चलेगा कि बहन जी ने हमारा इतिहास एक ऐसा बना दिया है। बहन जी शायद कल नहीं रहेंगी, अपनी उम्र के अनुसार कभी भी जैसे इस दुनिया से रुखसत लेंगी, लेकिन एक इतिहास उन्होंने ऐसा बना दिया है, आज भी अगर हम शीश उठा कर देखेंगे तो हमें लगेगा हमारे महापुरुषों का इतिहास, महापुरुषों की ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी स्टेचू जिनका इतिहास हम तक नहीं पहुंच पाता, सब माननीय काशीराम जी ने उस इतिहास को दोबारा से खड़ा किया। और बाबा साहब तो एक हद तक एक इतिहास को ख़त्म कर चुके थे, लेकिन साहब काशीराम जी ने बाबा साहब को फिर से पुनर्जीवित कर दिया और फिर से हमारे महापुरुषों को हमारे बीच ला के आज खड़ा कर दिया। आज माननीय साहब काशीराम जी की कमाई है, साहब काशीराम जी की वो कमाई, साहब काशीराम जी ने DS4 बनाई, साहब काशीराम जी ने बाम सेफ बनाई और BSP का गठन किया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।